हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी फिट चैनल। दोस्तों, मैं फिजिकल एजुकेशन की चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का प्रैक्टिस करा रही हूँ, जिसमें से चैप्टर चल रहा है एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। इसमें से टॉपिक है पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम, जिससे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा। यदि आप फिजिकल एजुकेशन के किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स का प्रिपरेशन सिलेबस के अकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो मेरे चैनल पर सभी वीडियो सिलेबस के अकॉर्डिंग है, वो भी बिल्कुल फ्री में दोस्तों। एंड यदि आप प्रीवियस ईयर एमसीक्यूज क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, तो 100 से ज्यादा वीडियोज उस पर भी बनाए गए हैं। तो दोस्तों, चलिए चलते हैं आज के क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है, मनुष्य के भोजन के प्रोटीन पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है? पेप्सिन, रेनिन, ट्रिप्सिन, उपयुक्त सभी। यहाँ पे उपयुक्त सभी हो जाएगा, क्योंकि पेप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है, जो आमाशय से स्रावित होता है। एंड ट्रिप्सिन जो होता है वह पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से स्रावित होता है। यह ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन को अमीनो एसिड में बदलता है। एंड रेनिन जो होता है वह दूध को कैसीन में बदलता है। यहाँ पे उपयुक्त सभी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों, जो भोजन रक्त वाहिनियों द्वारा शोषित नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं? तो उसको हम चाइम कहते हैं। नेक्स्ट है, रेनिन किस प्रकार के भोज्य पदार्थों पर कार्य करता है? तो यह दूध पर कार्य करता है। यह रेनिन निकलता कहाँ से है? आमाशय से, ठीक है, यानी यह दूध को कैसीन में बदल देता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में भोजन को अम्लीय बनाने का कार्य कौन करता है? दोस्तों, जब हमारा भोजन आमाशय में यानी स्टोमच में जाता है, तो वहाँ HCl होता है जो भोजन को अम्लीय बना देता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हमारे आमाशय की जीवाणु को समाप्त करने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो HCl करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह एकदम तेजाब की तरह गर्म होता है दोस्तों। जो ही भोजन हमारे आमाशय में जाता है, उसमें जो भी बैक्टीरिया बाहर से आते हैं, उन सब बैक्टीरियाज को यह खत्म कर देता है। नेक्स्ट है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है? तो ग्लूकोज को फ्रक्टोज में कौन सा एंजाइम बदलता है दोस्तों? यहाँ पे टाइलिन हो जाएगा। नेक्स्ट है, जो भोजन आमाशय में पच नहीं पाता उसे हम क्या कहते हैं? तो जो आमाशय में नहीं पच पाता उसको हम चाइन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत ग्रंथि। और यहाँ पे आपको पूछेगा कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? तो थायराइड ग्रंथि हो जाएगा, ठीक है। और जैसे हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है आपका पैंक्रियाज। नेक्स्ट है, लीवर का भार कितना होता है? तो यह आपका 2 से 3 पाउंड का होता है, 2.4 से 3 पाउंड, ठीक है। नेक्स्ट, हमारे शरीर में वसा को कौन पचाता है? तो वसा को कौन पचाता है दोस्तों? पेप्सिन, रेनिन, पितरस, ट्रिप्सिन। इस ऑप्शन में आपको पता है पचाएगा पितरस, ठीक है। नेक्स्ट है, आरबीसी संचय का कार्य कौन करता है? दोस्तों, आरबीसी जो मरा हुआ आरबीसी होता है कहाँ पे जाके मरता है? वह होता है प्लीहा यानी स्प्लीन। इसलिए प्लीहा को आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है। नेक्स्ट है, अग्नाशय की लंबाई कितनी होती है? तो अग्नाशय की लंबाई 5 से 6 इंच होती है, ठीक है। कितनी होती है? 5 से 6 इंच होती है। नेक्स्ट है, एमाइलेज द्वारा पाचन होता है। एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, ये तीनों एंजाइम निकलते हैं पैंक्रियाज यानी अग्नाशय से, जिसमें से एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। नेक्स्ट, हमारे भोजन में प्रोटीन का पाचन कौन सा एंजाइम करता है? एमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन, टाइलिन। इसमें से कौन करता है दोस्तों? ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन का पाचन करता है, यह भी स्रावित होता है पैंक्रियाज से। नेक्स्ट दोस्तों, कौन सा एंजाइम वसा को फैटी एसिड से परिवर्तित करके पुनः ग्लिसरीन में बदल देता है? वह कौन सा एंजाइम होता है? वह होता है लाइपेज। कौन सा एंजाइम होता है? लाइपेज। नेक्स्ट, हमारे भोजन में कार्बोहाइड्रेट का उपापचय कौन सा एंजाइम करता है दोस्तों? तो कार्बोहाइड्रेट का उपापचय जो होता है वह टाइलिन, जो हमारे लार यानी मुंह में पाया जाता है। नेक्स्ट है, बड़ी हाथ की लंबाई कितनी होती है? दोस्तों, बड़ी हाथ की लंबाई जो होती है वह 1.5 मीटर यानी कि 60 इंच लगभग होता है। नेक्स्ट है, हमारे शरीर में प्रोटीन को अमीनो अम्ल में कौन सा एंजाइम बदलता है? यहाँ पे ऑप्शन दिया है, ट्रिप्सिन, एमाइलेज, रेनिन, पेप्सिन। तो यहाँ पे दोस्तों, प्रोटीन का ट्रिप्सिन, पेप्सिन दोनों पाचन करता है। जो पेप्सिन होता है वह आमाशय से स्रावित होता है, जो पेप्सिन को प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। जो ट्रिप्सिन होता है वह अग्नाशय से स्रावित होता है, जो ट्रिप्सिन होता है वह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में बदलता है। यह ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ट्रिप्सिनोजन को ट्राइप्सिन में बदलने का कार्य कौन सा एंजाइम करता है? तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एंट्रोकाइनेस, ठीक है, एंट्रोकाइनेस। नेक्स्ट, हमारे शरीर
कि बड़ी आंत की मोटाई कितनी होती है, तो बड़ी आंत की जो मोटाई होती है वह 3 इंच होती है, यानी कि। नेक्स्ट है दोस्तों, छोटी आंत में मौजूद इरेप्सिन प्रोटीन पदार्थ को पेप्टोन में बदलने के उपरांत फिर से उसे किस में बदलता है, तो वह अमीनो एसिड में बदलता है। नेक्स्ट है क्लोन द्वारा स्त्रावित ट्रिप्सिनोजन एंजाइम को ट्राइप्सिन में बदलता है, तो कौन बदलता है, एट्रोकाइनेस। नेक्स्ट है वह कौन सा एंजाइम है जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन ग्लूकोज में विभाजित करने का कार्य करता है, तो वह कौन सा एंजाइम है कार्बोहाइड्रेट को पाचन ग्लूकोज में, तो यह एमाइलेज होता है जो पैंक्रियाज से स्त्रावित होता है। नेक्स्ट है क्लोम में लैक्टोज दुग्ध शर्करा विभाजित करके बनता है, तो यह ग्लैक्टोज में बदल देता है, ठीक है, लैक्टोज। नेक्स्ट है हमारे शरीर में चीनी को ग्लूकोज में कौन परिवर्तित करता है, तो एमाइलेज, कौन करता है, एमाइलेज, ठीक है। नेक्स्ट है अमाशय की कितने समय पश्चात, अमाशय की कितने समय पश्चात क्रिया पूर्ण हो जाती है, तो 1 घंटा पश्चात अमाशय की क्रिया जो होती है वो पूर्ण हो जाती है। नेक्स्ट है छोटी आंत में जो भोजन बच जाता है उसे, उस पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है, छोटी आंत में जो भोजन बच जाता है उस पर कौन सा एंजाइम कार्य करता है, यहाँ पे आपका हो जाएगा एट्रोकाइनेस, इरेप्सिन, माल्टोज, ये सभी एंजाइम कार्य करते हैं आपके छोटी आंत में भोजन बच जाता है उस पर। नेक्स्ट है जब भोजन अमाशय में प्रवेश करता है तो उस समय कौन सा रस उस पर कार्य करता है, ऑप्शन है एसियल, रेनिन, पेप्सिन। तो दोस्तों ये तीनों चीज स्थापित होती हैं अमाशय में, उपरोक्त सभी सब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है मानव के शरीर में पाचन क्रिया सर्वप्रथम कहाँ होती है, दोस्तों हम जब भी त्यों खाना लेते हैं तो खाना लेने के बाद जब मुख में भोजन जाता है तो वहां पे आपका मिल जाता है लार ग्रंथि से स्त्रावित होने वाले टाइलिन एंजाइम से भोजन मिलता है, और वह टाइलिन एंजाइम जो होता है कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है, यानी कि शर्करा को माल्टोज में बदलता है। नेक्स्ट है दोस्तों, यानी कि यहाँ पे क्या है कि पाचन क्रिया सर्वप्रथम कहाँ होती है, तो वह होती है मुख में, ठीक है, और भोजन का पूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में, ये दोनों ध्यान रखिएगा। जब नेक्स्ट है जब भोजन अमाशय में आता है तो उसे क्षारीय से अम्लीय बनाने का कार्य कौन पूर्ण करता है, तो अमाशय में जब आता है दोस्तों तो उसको अम्लीय बना देता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है भोजन अमाशय में पहुंचने के बाद कितने समय पश्चात उसमें अमाशय रस मिलना शुरू हो जाता है, तो जो ही भोजन पहुंचता है अमाशय में तुरंत पहुंचते हो जाता है, यानी कि भोजन के पहुंचते ही, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट है भोजन में टाइलिन मुख में मिलता है, यहाँ पर जाकर अपना कार्य बंद कर देता है, कहाँ पर जाकर काम करता है, जो मुख में टाइलिन मिलता है भोजन में वह कहाँ पर जाकर कार्य बंद कर देता है, या अमाशय में जाते ही अपना कार्य बंद कर देता है, उसके बाद अमाशय में जो चीजें पाई जाती हैं वो सब अपना कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे शरीर में पिलिया का वजन कितना होता है, तो हमारे शरीर में पिलिया का वजन कितना होता है, 5 औंस, ठीक है। नेक्स्ट है शरीर के संपूर्ण रक्त का पिलिया में कितना रक्त जमा होता है, तो 2/3, ठीक है। नेक्स्ट है भोजन अमाशय से छोटी आंत में किस क्रिया द्वारा पहुंचता है, तो यह परिस्टोटिक क्रिया यानी क्रमानुकुंचन क्रिया द्वारा पहुंचता है। नेक्स्ट है मुख की तालार यानी सलाइवा का नियंत्रण किस कपाली तंत्र द्वारा पहुंचता है, तो यह आपका पहुंचता है किसके द्वारा, 9वीं तंत्रिका द्वारा, ठीक है। यहाँ पे फिर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह मुख की लार यानी सलाइवा का नियंत्रण किस कपाली तंत्र द्वारा पहुंचता है, तो 9वीं, जैसे कि कपाली तंत्रिका हमारी 12 होती है, ठीक है, जैसे कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है उससे 31 जोड़ी स्पाइनल नाड़ी और 12 जोड़ी कार्निथन नाड़ी यानी कि कपाली तंत्रिका निकलती है, तो यह 9वीं तंत्रिका जो है मुख की लार यानी सलाइवा का नियंत्रण करती है। नेक्स्ट है दोस्तों, मनुष्य के अमाशय में कौन सी झिल्ली पाई जाती है, तो इसमें एक श्लेष्मिक झिल्ली पाई जाती है। नेक्स्ट है मनुष्य में जो भोजन ग्रहण करता है, मनुष्य जो भोजन ग्रहण करता है उसके जीवाणु को नष्ट करने का कार्य कौन करता है, तो HCl करता है यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट दोस्तों, रेनिन का कार्य क्या है, रेनिन जो होता है वह अमाशय में पाया जाता है जो दूध को फाड़कर कैसीन में बदलता है, ठीक है। तो दोस्तों
आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि सभी क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और डेली बेसिस पे मेरे चैनल पे बने रहिए बेहतरीन तैयारी के लिए। फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे न्यू वीडियो का अपडेट आप तक पहुँचता रहेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।